प्रदेश के जितने भी सीटेट बीटेट साथी हैं सबको यह सूचित कर दूं कि 17 तारीख को यानी 17 मार्च को जो आंदोलन का तिथि रखा गया है वो बिल्कुल गांधीवादी तरीका से एक तिथि रखा हुआ है। गांधीवाद तरीका मतलब क्या होता है? मतलब एकदम जो चलना चाहिए जिस राह पर के युवाओं को मतलब एक आदर्श राह अपनाना चाहिए। जैसे कि हम लोग नेता मंत्री विधायक के बच्चे नहीं है या फिर हम लोग सदन में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी नहीं है, तो हमारा आवाज एक सड़क है, लेकिन हम सड़क का नियम को बाकायदा जो फ्लो सभी लोग करते हैं उसी प्रकार से चलेंगे। सिर्फ गांधीवादी आदर्श के मानते हुए यह दिखलाएंगे कि बिहार में शिक्षक जो नियोजन होना चाहिए वो 4 वर्ष से लटकाया जा रहा है कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ, और गरीब गुरबे के जो शोषित के वंचितों को बच्चे हैं उनके खिलाफ एक अन्याय का राह अपनाया जा रहा है जिसके लिए हम लोग सड़क पर उतर करके न्याय दिलाना चाह रहे हैं। कहां कहां से छात्र आएंगे और कितने टोटल छात्र रहेंगे? एक अंदाजा होता है ना कि 1,000 रहेंगे, 2,000 रहेंगे, 5,000 रहेंगे, कितने रहेंगे? देखिए इसमें अनलिमिटेड रहेंगे, हम ही नहीं बताएंगे कितना रहेंगे, अनलिमिटेड लेकिन मतलब समझते हैं अनलिमिटेड वो लोग बोलते हैं मतलब कि बहुत ज्यादा संख्या हो गया तो अनलिमिटेड बोल देना। जी बिल्कुल, हमारी संख्या 10,000+ रहेगा, इससे नीचे नहीं रहेगा मैं ये जानता हूं। और मैं ये भी बता दूं 10,000+ क्या मतलब जी 7 फेज वाले सीटेड बीटेड वाले रहेंगे? सफल अभ्यर्थी जी जी बिल्कुल, इससे पहले सड़क पर पटना के जी सड़क पर वो भी गांधी जी वाला टोपी पहन करके दिन हाँ में लालटेन जला करके कि ज्ञान के दिन में प्रकाश नहीं लालटेन क्यों है। चलाएंगे, लालटेन हाथ में लेके घूमेंगे? जी लालटेन दिन में जलाया हाँ जाएगा क्योंकि ज्ञान का अंधकार है, दिन तो हुआ है उजाला तो है लेकिन ज्ञान का अंधकार है इसको दूर किया जाए। मतलब ज्ञान नहीं है किसके पास, मतलब कि सरकार के पास आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के पास नीतीश भी ज्ञान नहीं कुमार को है। बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव जी पर हम ज्यादा टारगेट नहीं करेंगे हाँ क्योंकि उनका भी गलती है, हम ये जरूर कहना उनका चाहेंगे, गलती है, गलती उनका भी है, पढ़ाई दवाई सुनवाई करवाई उन्हीं का मांगा हुआ एक भाषा था कि हाँ हम ये चीज पर काम करेंगे, लेकिन अब जब सदा में उप मुख्यमंत्री है तो पढ़ाई दवाई सुनवाई करवाई ये सारी चीज होनी चाहिए, और सब कुछ उल्टा हो रहा है। जैसे पढ़ाई हम लोग कर लिए, करवाई FIR के रूप में होता है, लाठी के रूप में होता है, तो ये सब चीज बंद करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये उम्मीद लगाएंगे कि जो आगामी जो चुनाव है उससे पहले युवाओं को रोजगार देने के लिए पहल करें। कितने साल से आप लोग तड़प रहे हैं ये हमें बताएं? लगभग 4 साल हो गया, 4 साल हो गया, 4 साल। बढ़िया लगता है कि घर में बैठे रहें, मम्मी पापा टोंट मार रहे हैं कि पढ़ लिख कर भी घर में बैठा हुआ है, सुनने में ठीक लगता है? देखिए सर, सामाजिक नजरिए से देखा जाए, आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो पढ़े लिखे बेरोजगार होना मर जाने से मतलब मुझे दिल लगता है, ऐसा लगता है कि मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि पढ़े लिखे होकर के बेरोजगार आप बैठिएगा, आपसे मतलब किसी प्रकार के घर परिवार एक मोहल्ला उम्मीद लगाया रहता है कि हाँ भाई शिक्षित हो जाएगा तो घर परिवार का भी गांव का भी। और क्या चाहते हैं सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी, सीटेट बीटेट के छात्र जितने भी हजारों छात्र जो है वो क्या चाहते हैं? सिर्फ सबका एक ही मांग है कि शिक्षक बनने की तमाम अर्हता धारण कर लिए हैं, तो शिक्षक बनने की तमाम अर्हता धारण करने के बाद में दिक्कत क्या होती है? क्या शिक्षक बनने के लिए ये भी ऐसा होना चाहिए क्या कि बेरोजगार होना, 5 या 6 साल का अनुभव चाहिए? कि सीटेट बीटेट निकाल लीजिए, तमाम शिक्षक बनने के लिए अर्हता पूरी कर लीजिए, उसके बाद 4 वर्ष सड़क पर बैठे रहिए, डंडा खाइए। कितने डंडे खा रहे हैं अभी तक आप अपना बताइए? देखिए सर, मैं 4 बार अभी तक गिरफ्तारी हो चुका हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता इस सरकार से क्योंकि सरकार निकम्मी है और हम लोग सरकार के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का काम कर रहे हैं, आंदोलन से दिखा रहे हैं कि आपकी भाषा जो है वो गलत है, आपका नीति गलत है, कहीं ना कहीं इस नीति को चेंजिंग कीजिए और जिला जितना जल्दी से जल्दी बिहार में शिक्षक नियोजन कराइए, क्योंकि बिहार के सरकारी तो 4 साल से मामला फंसा हुआ है, अब करा दीजिए, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिहार के सरकारी स्कूल में केवल गरीब गुरबा वंचित शोषित पिछड़ा अति पिछड़ा के बच्चे पढ़ते हैं, कितना नेता विधायक मंत्री पदाधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं क्या? यदि उनका बच्चा पढ़ते तो बिहार के सरकारी स्कूल का सिस्टम इस प्रकार से नहीं होता। अगर बेटा या बेटी होता तो सरकारी स्कूल में देते हैं आप पढ़ने के लिए? सच बोलिए, दिल पर हाथ रखे बोलिए, दिल पे पहले हाथ रख लीजिए और सच बोलिए कि आप अपने बच्चों को क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? ये डिपेंड मेरे ऊपर निर्भर है, अगर मैं शिक्षक बनूंगा तो वादा करता हूं कि मैं जहां भी रहूंगा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल। अगर नहीं बनते तो शिक्षक नहीं बनेंगे तो शादी के बारे में ही नहीं सोचेंगे, बेरोजगारी का जिंदगी जीने से अथाह है कि सिंगल ही रहो। मतलब शिक्षक ही बनना है, कोई और उपाय नहीं, ये नहीं कि कुछ और करना है, कुछ और क्या किया जाएगा बताइए? सामाजिक नजरिए में सभी के दृष्टिकोण में हम लोग शिक्षक बन चुके हैं, मुझे लगता है कि बाकी नहीं आना चाहिए, जब मेहनत किए हैं तो क्यों नहीं बनेंगे शिक्षक? अनुकूल जी, शिक्षक बनने के लिए तमाम अर्हता हमारे पास है, केवल सरकार के नजर में कागजाती पे हम नहीं है, बाकी शिक्षक बनने के लिए जो क्रिएटिव सर सर बताइए कि जितने भी छात्र हैं, जितने भी हजारों छात्र हैं वो क्या सोचते हैं? आप लगातार मिलते आए हैं, आप बैठते हैं उनके साथ, आप उठते हैं उनके साथ, आप समझते हैं उनको, आपका भी वही हाल है, उनका भी वही हाल है, आप अच्छे से समझते होंगे, आप बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती किसकी है? देखिए सबसे बड़ी गलती सरकार की, 4 साल का टाइम सरकार की है और सरकार पलटा भी, हाँ सरकार पलटा भी। देखिए मुखिया तो नीतीश कुमार जी है ना, आप उन किसी हाँ, के साथ जाते हैं हाँ, इस बार उनको पलटने का मौका नहीं मिलेगा, इस बार जनता हाथ लगाकर पलट देगी, सीधे हो जाएंगे, इतना जनता हाथ जाएंगे,
लगा के पलट देगी। बिल्कुल, हमारा 2 लाख का परिवार है शिक्षक अभ्यर्थी का, केवल 2 लाख का शिक्षक। हाँ, इस बार भी 60,000 नए हमारे भाई पास किए हुए हैं, तो आप जोड़ लीजिए कि हमारा 2 लाख का परिवार है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बेरोजगारी, जिस घर से मैं हूँ मेरे घर में 12 लोग हैं, आप जोड़ लीजिए कि 2 लाख परिवार में कितने लोग हुए। आपके घर में क्या 12 लोग हैं? 12 लोग हैं और मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ 12 लोगों में। आप बताइए कि 2 लाख लोगों में से कितना ऐसे होंगे जो माननीय नीतीश कुमार जी को देखना नहीं चाहेंगे, पलट देंगे। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि बिहार के युवा के लिए, बिहार के हित के लिए इनको विचारना चाहिए। इनसे अगर बिहार नहीं संभलेगा तो बिहार के बाहर प्रधानमंत्री मटेरियल अपने आप को खुद को कैसे घोषित करेंगे। चलिए, नीतीश कुमार पे बहुत ज्यादा गर्म है सारे हजारों छात्र, लाखों परिवार, सब लोग एकदम टेंशन में है, गुस्से में है कि नीतीश कुमार को पलट देना इस बार। 17 तारीख को क्या होने वाला है? लालटेन तो जलेगा, देखिए लालटेन तो जल ही रहा है, 17 लालटेन जल नहीं रहा है। नहीं नहीं, देखिए लालटेन राजनीतिक नजरिए से उसको नहीं देखा। हाँ, हम कहना चाहेंगे कि हम लोग गांधीवादी तरीके से पैर में बगैर चप्पल जूता का मैं खुद रहूंगा, एक धोती और एक गंजी सहारे, चश्मा और हाथ में तिरंगा लेकर के, मांग हमारी है कुछ भी खाएं, आप लोग उग्र नहीं होंगे, आप लोग शांतिपूर्ण, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अहिंसात्मक रूप से नहीं होंगे। और एक ही चीज कहेंगे कि बापू हम शर्मिंदा है, बिहार में गदार नेता जिंदा है, क्योंकि आशासन देना और बार बार भूल जाना इनकी नाकामी। तो मुझे लग रहा है कि परसों तो आम आदमियों को बहुत दिक्कत होगा, उनको अभी आप बोल दीजिए। ये आम आदमी की लड़ाई है साहब, आम आदमी मतलब कि जो लोग ऑफिस जाएंगे, जो लोग ऑफिस जाएंगे वो लोग को, चलिए हम समझेंगे, आप समझेंगे, जितने भी हजारों छात्र हैं जो नहीं समझ पाते हैं सीटेट बीटेट क्या है या क्या नहीं है, वो तो डगमंगला पे रुके रहेंगे, रुके रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता रहेगा, वो हमारे अभिभावक वो भी सही बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, वो भी देखिए ये भी बहुत बार होता है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और जाम में बाइक से अगर कोई खड़ा है तो वो अपना बाइक बंद कर देता है और बोलता है कि सरकार अगर इनके साथ सही करता तब तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल, देखिए अनुकूल जी, ये एक लड़ाई न सिर्फ आप भी हमारी लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिहार को आप दिखा रहे हैं कि ये जो रहा है सरकार का ये गलत है, और जो जाम में फंसे होंगे वो हमारे अभिभावक होंगे, उनको भी दिखाई देगा कि ये जो आज बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार का नाकामी है, और बिहार के सरकारी स्कूल का दिन दशा बदल जाए उसके लिए अगर 1 घंटा अपना समय वो लॉस भी करेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब कॉलेज हो तो सब सरकारी ढूंढते हैं, जॉब हो तो सब सरकारी ढूंढते हैं, और जहां बच्चों को पढ़ाना चाहिए जी वहां तो टीचर ही नहीं। ये तो बिहार सरकार का नाकामी दर्शाता है।